हाय फ्रेंड्स, इस प्रोफेसर कार्तिक जी वाचिंग मी एंड माय डियर बच्चों। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 29 है, जिसका नाम है साइक्रोमेट्री प्रोसेस। एपिसोड नंबर 28 में भी हमने बच्चों साइक्रोमेट्री प्रोसेस ही कवर करी है, जिसमें सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग समझाया हुआ है। तो जिस लोगों ने एपिसोड नंबर 28 नहीं देखा वो पहले जाके वो देखे, एंड देन यू विल कम ऑन टू द एपिसोड नंबर 29। सो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमिडिफिकेशन एंड ड्यूमिडिफिकेशन। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों 3 नंबर की प्रोसेस, यानी ह्यूमिडिफिकेशन, दैट मींस प्योर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। यानी जब भी मैं बच्चों बोलो ह्यूमिडिफिकेशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिफिकेशन, मींस कि आप एयर के अंदर वाटर वेपर ऐड कर रहे हो। जैसे आप एयर के अंदर वाटर वेपर ऐड करते हो तो उसको बोला जाता है ह्यूमिडिफिकेशन। तो ऐसा जनरली कैसे किया जाता है कि जो एयर होती है उसके अंदर वाटर का स्प्रे किया जाता है। तो जैसे आप वाटर का स्प्रे करोगे तो उसमें ह्यूमिडिफिकेशन होगा। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब वाटर वेपर ऐड होगी। तो आप जानते हो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से बोलते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो अब मैं यहाँ पे वाटर वेपर ऐड कर रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर बढ़ेगी तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सी यहाँ पे प्योर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आप दिख रहा है। तो यहाँ देखो, ये 1 नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर का पॉइंट है, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बताएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1, यहाँ पे क्या बताएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में समझाया हुआ कि इसको कैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। So, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2। तो आप देख रहे हो कि आप जैसे ऊपर जाओगे, हमने देखा था कि यहाँ पे जैसे ऊपर जाते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इसका मतलब कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखो बच्चों, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइबल टेम्परेचर, तो देखो ये 1 और 2 दोनों वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दोनों का ड्राइबल टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट। यानी ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ड्राइबल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। अब बच्चों ये मैंने लिखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 51 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52 परसेंटेज वाली लाइन है। तो आप देखते हो बच्चों कि जैसे आप आगे आओगे तो परसेंटेज लाइन बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल आल्सो इंक्रीज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंबल क्या है, 5। सेकंड बच्चों, ये एंथैल्पी वाली लाइन है, तो आप देख रहे हो आप अपवर्ड डायरेक्शन में, आप एंथैल्पी भी आगे जा रहे हो, तो एंथैल्पी कैसी होगी, इंक्रीज। तो एंथैल्पी इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज। ये बच्चों देखो, ये वेटबल टेम्परेचर है, तो वेटबल टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज यू आर गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ड्राइबल टेम्परेचर कैसा रह रहा है, कांस्टेंट, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। बच्चों तो याद रखो, जब भी ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन आए बच्चों, एक चीज कांस्टेंट रहती है जिसका नाम है ड्राइबल टेम्परेचर। तो जब भी आपको ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस पर ड्राइबल टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया, तो इसका सेम ही चीज है डिह्यूमिडिफिकेशन, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करना है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, ड्यूमिडिफिकेशन में तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ड्यूमिडिफिकेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे जाओगे तो W1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसकी होगी, W2 तो आपको पता है, आप जैसे नीचे आओगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि वाटर वेपर आप रिमूव कर रहे हो। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आप किसी भी वाटर है उसको ड्यू पॉइंट, यानी किसी भी एयर है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से, कोई भी कॉइल रखो, कोई भी एयर हो उसको कूलिंग कॉइल में से पास करो। जैसे वो कूलिंग कॉइल में पास होगी, पर वो कूलिंग कॉइल किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के, किसके, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। तो जैसे ही वो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में एयर आएगी, तो वो कूलिंग कॉइल के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जितना टेम्परेचर है उतना ही एयर का हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द ड्यू स्टार्ट फॉलिंग, यानी कि वॉटर के फॉर्म्स में वो वॉटर ड्रॉपलेट से वो फॉल होंगे, उसका मतलब क्या होगा, वॉटर वेपर रिमूव होगा, उसका मतलब क्या होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो यहाँ पे देख रहे हैं डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। फिर ये कौन सी लाइन है, परसेंटेज वाली है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन जाए तो आपको पता है जितना डाउनवर्ड जाएंगे तो परसेंटेज की वैल्यू कम हो जाती है, उसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। फिर आप ये जानते हैं एक कौन सी वैल्यू, डब्ल्यूबीटी, तो डाउनवर्ड जा रहे हो डब्ल्यूबीटी भी डिक्रीज होगा। सेम एक कौन सी लाइन है, एंथैल्पी, तो आप एंथैल्पी में ऐसे आओगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड। फिर आपको पता है ड्यूमिडिफिकेशन, तो मैंने बता ही दिया कि आप वैल्यू डाउन हो रही है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी किसी भी डिक्रीज। पर बच्चों ये वर्टिकल लाइन है, इसकी मदद से ड्राइबल टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो आपको याद रखना है बच्चों, ह्यूमिडिफिकेशन हुआ, ड्यूमिडिफिकेशन, ड्राइबल टेम्परेचर कैसा रहता है, ड्राइबल टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं बच्चों। पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन रियल कंडीशन कभी भी प्योर ह्यूमिडिफिकेशन या प्योर ड्यूमिडिफिकेशन नहीं होता है बच्चों, हमेशा ह्यूमिडिटी के साथ या तो हीटिंग या कूलिंग एसोसिएट होता है, या फिर ह्यूमिडिफिकेशन के साथ भी कूलिंग या हीटिंग ही एसोसिएट होता है। ऐसा हो सकता है हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल है, कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल है, हीटिंग विद ड्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल है, कूलिंग विद ड्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल है बच्चों, लेकिन केवल और यानी सिर्फ एंड सिर्फ ओनली ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो इन एक्चुअल कंडीशन दिस प्रोसेस आर रियल, इट डज नॉट एग्जिट, दे आर ऑलरेडी एसोसिएट विद
एक चीज हमेशा हीटिंग या कूलिंग के साथ ही होती है, अकेला ह्यूमिडिफिकेशन या फिर अकेला ड्यूमिडिफिकेशन नहीं होता बच्चों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।